गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिसली फ्रॉम सारण बिहार एंड यू आर वाचिंग मेरे कलोनी क्लासेस। मैं फिर से ले आया हूं आपके लिए एक कंफ्यूजिंग पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कंफ्यूजिंग पॉइंट पर 5 वीडियोज ऑलरेडी बना रखी है और यह है इसकी 6th वीडियो, और इस वीडियो को भी आप बहुत पसंद करोगे। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। मैं वैसी वीडियोज़ अधिकांश लाया करता हूँ जो स्टूडेंट्स झेल रहे होते हैं, यानी स्टूडेंट्स से जो गलतियाँ हो रही होती है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर, और मैं बच्चों को बहुत पहले से पढ़ाता रहा हूँ, और ये मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती है जो बच्चे अक्सर किया करते हैं। तो मैंने सोचा कि वो जो गलतियाँ बच्चों से अक्सर हुआ करती हैं, क्यों ना उन गलतियों को पर्दाफाश कर दिया जाए वीडियो के अंतर्गत, यानी एक वीडियो के माध्यम से, ताकि बाकी के जो स्टूडेंट से गलतियाँ होती है वो गलतियाँ ना हो पाए। तो शुरू करते हैं आज की ये लेसन, आज की ये वीडियो। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में जिसमें लेने और देने का फ़र्क होता है। यानी कहने का मतलब है, लेना है तो अलग और देना है तो भी अलग। लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं, एक ही तो है। अगर मैं कहूं कि सलाह देना तो आप एडवाइस लगाते हो, अगर मैं बोलूं सलाह लेना तो आपका दिमाग इतना नहीं चलता है कि आप कंसल्ट लगाओगे, आपको लगता है कि एडवाइस ही होगा। किराए पर देना और किराए पर लेना, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, है ना। उधार लेना और उधार देना, ये भी दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो इन्हीं 6 वर्ड्स को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को एंड तक बने रहना, क्योंकि ये तीनों के तीनों कन्फ्यूजनें आपको जड़ से ख़त्म हो जाएंगी बस 5 मिनट की इस वीडियो के बाद। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर मैंने लिख रखा है कंसल्ट, सलाह लेना, और फिर एडवाइस, सलाह देना। दोनों के मैंने दो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है कंसल्ट का, यानी सलाह लेने के अर्थ में, ही कंसल्टेड अ डॉक्टर, ही कंसल्टेड अ डॉक्टर, उसने किसी डॉक्टर का सलाह लिया, यानी उसने एक डॉक्टर का सलाह लिया। शायद उसकी तबीयत ख़राब हो या कोई ऐसी बीमारी पकड़ ली हो, तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर से सलाह ली कि डॉक्टर साहब मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, या इसका इलाज है ना मुझे करवानी है, या जो कुछ भी हो, है ना। तो जब कोई डॉक्टर से सलाह ले या किसी भी व्यक्ति से सलाह ले तो वो कंसल्ट होता है, एडवाइस नहीं होता है। एडवाइस तो होता है सलाह देना, लेकिन जब आप ले रहे हो सलाह ना कुछ भी, तो आप कंसल्ट का इस्तेमाल करना। मैंने यहाँ डॉक्टर को लेकर के एग्जांपल दिया है, ठीक, आप कोई भी रख सकते हो एग्जांपल को। एडवाइज, सलाह देना, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, उसने मुझे नसीहत दी, है ना। नसीहत या सलाह बात एक ही होती है। नसीहत उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं और सलाह हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं। सो नसीहत देना या सलाह देना एडवाइज होता है। फिर से एक बार, कंसल्ट सलाह लेना, किसी से मशवरा लेना, सलाह लेना, और एडवाइज किसी को मशवरा देना, सलाह देना, नसीहत देना। तो आगे से आप इन दो शब्दों को एक ही मत समझना, और सिर्फ एडवाइज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट की बात करें रेंट। रेंट मीन्स होता है किराए पर देना, जबकि हायर का मतलब होता है किराए पर लेना। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, क्योंकि हम लेते हैं वो अलग और देते हैं वो भी अलग। इन दोनों के एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है किराए पर लेने, किराए पर देने की जो है वो, पहले एग्जांपल मैं आपको बता दूं, रेंट किराए पर देना। शी रेंटेड अ हाउस, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, है ना, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। शी रेंटेड अ हाउस, उसने एक घर किराए पर दिया, और यहाँ पर देने वाली कोई लड़की है, क्योंकि शी है, फीमेल है, कोई स्त्री है या महिला है। शी रेंटेड अ हाउस, उसने एक घर किराए पर दिया, तो आपको लगेगा कि उसने एक घर किराए पर दी, ऐसा क्यों नहीं। तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ कि ये जो आ ए ई की मात्रा होती है ना हिंदी बोलने में, ये अक्सर नाउन के अकॉर्डिंग हुआ करती है। यहाँ पर जो नाउन हमारा हाउस है ना, वो पुलिंग अवस्था में है, इसके कारण दिया कहेंगे, दी नहीं कहेंगे। वो फीमेल दिया हो तो या मेल दिया हो तो वो दिया ही बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। अक्सर हम बिहार के रहने वाले लोग या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अक्सर ये गलतियाँ करते हैं, सो आप गलती मत करना। शी रेंटेड अ हाउस, उसने एक घर किराए पर दिया। अब बात करते हैं किराए पर लेने की। हायर मीन्स होता है किराए पर लेना, देना अलग था और ये लेना अलग है। तो हायर किराए पर लेना, आई हायर्ड ए टैक्सी, मैंने एक टैक्सी किराए पर ली, मैंने एक टैक्सी किराए पर ली। अब यहाँ पर मैं तो पुलिंग हूँ, यानी मैं तो पुरुष हूँ, फिर भी मैंने ली बोला, क्यों, क्योंकि टैक्सी स्त्रीलिंग है, जो भी वाहने हैं वो स्त्रीलिंग होती है। यहाँ फीमेल भी होती तो भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि उसने एक टैक्सी किराए पर ली, हमने एक टैक्सी किराए पर ली। तो किराए पर लेने की इंग्लिश हायर होती है, और किराए पर देने की इंग्लिश होती है रेंट। आप इसको V2, V3, V4 जैसे भी बना करके इस्तेमाल करना हो, टेंसेस के अनुसार आप करोगे। अब सबसे अंतिम की बात करते हैं बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना, और लेंड मीन्स उधार देना। चलो इन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। बोरो उधार लेना, जैसे कि दे बोरो
दे बोरो अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, यानी वह मुझसे बहुत पैसा उधार लेता है, वह मुझसे बहुत पैसा उधार लेता है, यानी मैं उसको देता हूँ, वो मुझसे लेता है। तो उधार लेना यानी लेता कौन है? वे लोग। तो वे लोग उधार लेने का कार्य कर रहे हैं, सो उन लोगों के लिए बोरो का इस्तेमाल किया गया। फिर से एक बार, बोरो उधार लेना, दे बोरो अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, यानी वे लोग मुझसे बहुत पैसे उधार लेते हैं। अब सबसे अंतिम वर्ड की बात करें, बट नॉट द लिस्ट, लेंड, उधार देना, ये उधार लेना था और ये उधार देना है। आई डोंट लेंड मनी एनीवन, यानी मैं किसी को पैसा उधार नहीं देता हूँ, या आई डिडंट लेंड मनी एनीवन, मैंने किसी को पैसा उधार नहीं दिया। तो इस तरीके से उधार देना लेंड है, उधार लेना बोरो है, किराए पर लेना हायर है, किराए पर देना रेंट है, सलाह देना एडवाइस है, सलाह लेना कंसल्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे से कन्फ्यूजनें नहीं होंगी। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, एक प्रॉब्लम आ गई है, कमेंट के ऑप्शन नहीं आते हैं, पर डोंट वरी, मैं उस प्रॉब्लम को जल्दी ही ठीक करवा लूँगा। तो अगर कमेंट आप नहीं कर सको तो कम से कम आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर। एंड सबसे ज़्यादा आजकल आप लोग जानते हो कि आजकल एक बीमारी, बहुत ही बड़ी महामारी का दंगा चल रहा है, यानी दहशत फैल गई है। मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। Take care.